गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्ट से। ये बीए में सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और बीएससी बीकॉम में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम पेपर में जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस का विकास होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जनरली कॉमनली पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम के हमें कंपोनेंट्स बताने हैं और विद द ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये हमसे इनपुट लेता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द इनपुट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है, एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूसेज में आता है। तो कंप्यूटर यूज होता है एजुकेशंस में, मेडिसिंस में, रोबोटिक्स में, डिफेंस, बैंक, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, होम में, एंटरटेनमेंट में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, मल्टीमीडियाज में, वेदर फोरकास्टिंग में, इन सब जगह पे जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, ये सभी एरियाज डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, एक्सप्लेन फाइव इनपुट एंड फाइव आउटपुट डिवाइसेज विद देयर पर्पज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कौन से होते हैं और पांच इनपुट और पांच आउटपुट डिवाइसेज उनके पर्पज के साथ आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो इनपुट डिवाइसेज जो हमसे इनपुट लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेज जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो पांच इनपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, वॉइस सिस्टम, OMR, OCR, वेब कैमरा, इन सब में से आप कोई भी पांच इनपुट डिवाइस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और पांच आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, साउंड कार्ड, इन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, स्टोरेज, प्रोग्रामेबिलिटी, नो IQ, नो फीलिंग्स। तो ये सब जो है कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आपको इनके बारे में अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, टास्क बार, कंट्रोल पैनल और आइकन्स। इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो फाइल्स कौन सी होती हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, और फोल्डर जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, टास्क बार जो हमारे विंडो के सबसे नीचे होता है, कंट्रोल पैनल जिसमें हम अपनी सारी विंडोज़ को कंट्रोल करते हैं, और आइकन्स जो हमारे ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स जिसमें हम फाइल्स, फोल्डर्स या कोई प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, डेट इज़ डिफाइन मेमोरी, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। मेमोरी क्या होती है और इसके वेरियस टाइप्स बताएं। तो मेमोरी वो होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर रैम एंड रोम। तो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं और रीड ओनली मेमोरी में हम सिर्फ डेटा को रीड कर पाते हैं, राइट नहीं कर सकते। अगला कंपैरिजन आता है, डेट इज़ कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी तो वो होती है जहाँ से CPU डायरेक्टली हमसे प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है, और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डेटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेट इज़ CD। CD क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसमें हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही कॉमनली और बहुत ही जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, और ये ही वो होता है जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल्ड रहता है। तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को भी कंट्रोल्ड रखता है। इसके वेरियस फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे इसके जो हैं
फंक्शंस होते हैं, ये हमने डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, डेट इज़ व्हाट इज एन विंडो एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। विंडो क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो विंडो जो हमें मतलब जो हमारी विंडो जो भी हमें स्टार्टिंग स्क्रीन होती है वो हमारी विंडो रहती है, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके कंपोनेंट्स लाइक टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार, टूल्स बार, ये सब जो है इनके कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम वर्ड को प्रोसेस कर पाते हैं और वर्ड्स को एडिटिंग करना, उनको फॉर्मेट करना, ये जो है हमने एमएस वर्ड में हम कैसे करते हैं वो सब हमने इसमें लिखना है। व्हाट इज मेल मर्ज, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो मेल मर्ज क्या होता है, जब हम एक ही मेल को क्रिएट करते हैं और उसको मर्ज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पर। एक ही मेल हमारा जब डिफरेंट एड्रेसेस पर मर्ज कर दिया जाता है तो उसको मेल मर्ज कहते हैं। तो उसके आपको स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, डिफाइन मैक्रो, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड रन मैक्रो। तो मैक्रो क्या होता है, जब हम बहुत सारी कमांड्स को कंबाइन कर देते हैं और एक सिंगल कमांड बना देते हैं और उसको मैक्रो में डाल देते हैं। तो जैसे ही हम मैक्रो रन करते हैं वो सारी कमांड्स रन होती हैं, तो आपको उसके स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, स्पेल चेकिंग, प्रिंटिंग, वर्ड आर्ट, फॉर्मेटिंग। स्पेल चेकिंग जिसमें हम स्पेलिंग्स को चेक करते हैं, प्रिंटिंग जिसे हम प्रिंट कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, वर्ड आर्ट जिसे हम जो है अट्रैक्टिव फॉर्मेट में वर्ड्स लिखते हैं, और फॉर्मेटिंग जिसमें हम अपने वर्ड्स को फॉर्मेट देते हैं, सुंदर रूप देते हैं, ये सब आपको शॉर्ट नोट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग वेब ब्राउजर, www, html एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वेब ब्राउजर जिसमें हम वेब पेजेस को डिस्प्ले करके देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो कि वर्ल्ड वाइड हमारी इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करता है, html ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेजेज लिखते हैं, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, डेट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क, जो इंटरनेशनली हमारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है, डेट इज़ इंटरनेट। एंड व्हाट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ ईमेल, व्हाट इज़ प्रोसेस टू क्रिएट ईमेल आईडी एंड हाउ कैन यू सेंड ईमेल टू सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर्स। ईमेल्स क्या होते हैं, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, और ईमेल आईडी बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, और कैसे सिंगल यूजर या मल्टीपल यूजर के पास हम अपना ईमेल्स भेज सकते हैं, तो ये क्वेश्चन रहता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो है अपने पेपर पे जाने से पहले इन सबको, इनकी सबकी अच्छी रीडिंग लेकर के जानी है, ताकि आपको के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस का विकास हो उसके। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और वीडियो को इसलिए लाइक कर दें ताकि आप जो है अपने और भी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस समय पर पास करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।